नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हाथी ने ग्रामीणों को दौड़ाया, पेड़ पर चढ़कर बचाई जान, बाइक को पटक कर किया क्षतिग्रस्त। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में हाथियों की आवाजाही जारी है, यदाकदा यहाँ हाथी दिख ही जाते हैं। बुधवार शाम नगरी क्षेत्र में एक हाथी ने कुछ ग्रामीणों को दौड़ा दिया। इसमें से एक ग्रामीण ने पेड़ पर चढ़कर जान बचाई तो दो ग्रामीणों ने दूर तक भागकर अपनी जान बचाई। हाथियों की उपस्थिति को लेकर वन विभाग ने गांव में मुनादी कराई है कि ग्रामीण जंगल जाने से बचे। धमतरी जिले में लंबे अंतराल से हाथियों की आवाजाही बदस्तूर जारी है। नगरी ब्लॉक से 32 किलोमीटर दूर ग्राम जबर्रा, चरगांव, तुम्बाहरा, गचकनहार के क्षेत्र से लगे मार्ग से कुछ ग्रामीण गुजर रहे थे। ग्रामीणों को हाथी के चिंघड़ाने की आवाज सुनाई दी। अचानक से एक हाथी जंगल से निकलकर सड़क पर आ गया। हाथी को आता देख ग्रामीण पेड़ पर चढ़कर बचाई जा। हाथी को आता देख एक ग्रामीण सड़क से लगे पेड़ पर चढ़ गया, वहीं दो ग्रामीण दूर तक भाग निकले। हाथी ने रोड किनारे खड़ी बाइक को जोर से पटक कर क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के बाद वन विभाग ने ग्रामीणों को सचेत करने मुनादी कराई है। वहीं वन विभाग क्षेत्र में जाने से बचने को कहा गया। दल प्रभारी संदीप सोम ने बताया कि नगरी ब्लॉक के कुछ गांव में हाथी विचरण कर रहे हैं। मादा हाथी ने ग्रामीणों को दौड़ाया है। फिलहाल किसी तरह की जानहानि नहीं हुई है। दो हाथी आज सुबह 11 बजे उस क्षेत्र में दिखाई दिए हैं। घटना के बाद गांव में मुनादी कराई गई है। नगरी ब्लॉक के ग्राम बनरोद, केरे गांव, बांसपारा क्षेत्र में एक दंतेल हाथी दोपहर 12 बजे के आसपास दिखाई दिया है। दल प्रभारी नीता सोनवानी ने बताया कि हाथियों की आवाजाही क्षेत्र में जारी है। एहतियातन ग्रामीणों को सचेत रहने कहा गया है। ग्रामीणों से जंगल में महुआ फूल बीनने, लकड़ी उठाने के लिए जंगल न जाने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा मोटरसाइकिल व पैदल जंगल की ओर जाने से ग्रामीणों को मना किया गया है।